दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म केदारनाथ के फाइनल कलेक्शन के अपडेट्स आ चुके हैं। चलिए बात कर लेते हैं फिल्म केदारनाथ की। केदारनाथ जो रिलीज हुई थी 7 दिसंबर 2018 को, और ये एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी गई थी। फिल्म की जो रनिंग टाइम है यानी जो ड्यूरेशन है वो है 116 मिनट, यानी 1 घंटा 56 मिनट। फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर तीनों एक ही है, जिनका नाम है अभिषेक कपूर। आ जाते हैं कास्ट पर। इसमें सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान लीड रोल में नजर आए थे, और बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की ये डेब्यू फिल्म है, और सारा अली खान जो है बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की डॉटर है। चलिए बात कर लेते हैं कलेक्शंस की। फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था वो था 69 करोड़ 33 लाख रुपीस का। इंडिया का लाइफटाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, अब ग्रॉस कलेक्शन यानी जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, वो था 88 करोड़ 88 लाख रुपीस का। इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज मार्केट में 11 करोड़ 36 लाख की कलेक्शन की थी, 11 करोड़ 36 लाख रुपए की। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का जो लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 100 करोड़ 24 लाख रुपीस का, 100 करोड़ 24 लाख रुपए का। बजट था 35 करोड़ का। अब 35 करोड़ के बजट में फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था 69 करोड़ 33 लाख रुपीस का, उस हिसाब से अगर हम वर्डिट की बात करें यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि केदारनाथ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, यानी फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डिट थी वो थी हिट की। अब फिल्म के अंदर जो अगर मैं स्क्रीन काउंट्स की बात करूं, तो फिल्म को इंडिया में बता दें कि 1900 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। फिल्म के अंदर टोटल 5 गाने थे। सभी गानों को कंपोज किया था अमित त्रिवेदी ने। गानों के लिरिक्स लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने। अब फिल्म की बात करते हैं बेसिक स्टोरी की बात। फिल्म में जो सुशांत सिंह राजपूत है वो एक मुस्लिम परिवार से होते हैं, और सारा अली खान एक हिंदू परिवार से होती है। अब जैसे कि फिल्म का नाम है केदारनाथ, आप में से बहुत सारे लोगों ने केदारनाथ देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। केदारनाथ एक जगह है जो कि है उत्तराखंड में। अब फिल्म की बेसिक स्टोरी फोकस किया गया है केदारनाथ टेंपल के आसपास। तो अब जो है सारा अली खान, उनका केदारनाथ टेंपल के पास एक शॉप और एक लॉज होता है फिल्म की स्टोरी के अंदर। और जो सुशांत सिंह राजपूत है वो केदारनाथ टेंपल के पास पिट्ठू चलाते हैं। अब सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बैकग्राउंड की वजह से, एक तो मुस्लिम है और दूसरा वो जो पिट्ठू चलाते हैं, और सारा अली खान अमीर परिवार से होती है। अब सुशांत सिंह राजपूत के बैकग्राउंड की वजह से इन दोनों के प्यार में बहुत ज्यादा अड़चनें आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अब दोनों आपस में मिल पाते हैं नहीं, ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। आपको बता दें कि साल 2013 में जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी, फिल्म में वो भी दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीवुड न्यूज़ का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।